पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बाकी यार प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, मैं पिछले आधे घंटे से चल रहा हूँ, ब्लॉग कम शूट कर रहा था लेकिन मैं चल बहुत ज़्यादा रहा हूँ और काफ़ी देर से रहा हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई है। और जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही है, उसका अपना मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये मेरी लाइफ का सेकंड ब्लॉग है और सीन कुछ यूँ है कि आपके भाई का हो गया हुआ है एक्सीडेंट, तो आइए आपको ज़रा एक्सीडेंट दिखा देते हैं। अभी ये आपका बनवाड़ा का फर्स्ट एंड फ्यूरियस बाइक वाले सीन, वो लेके जाते हैं अपनी बाइक को, दो यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, और ये देखिए वो अपनी बाइक को लेके जाते हैं 90 की डिग्री के एंगल के ऊपर, और मैंने ले लिया अपनी बाइक को 120 डिग्री के एंगल पे। तो अगर आप भी 120 डिग्री के एंगल पे लेके जाएंगे अपनी बाइक को तो आपका भी कुछ यूँ ही हाल होगा, तो ध्यान रखें और सिर्फ 90 की डिग्री के एंगल पे लेके जाएं अपनी बाइक को। तो अब सीन यूँ है कि पिछले 3 दिन से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और कहीं पे भी जा नहीं रहा, कुछ भी कर नहीं रहा। डॉक्टर साहब का सख्ती से हुक्म था कि ओनली बेड रेस्ट, और भाई बेड रेस्ट कर करके ना जो बैक रेस्ट है ना, बैक वाली समझ रहे हैं ना, बैक बोन की ना सत्यानाश हो गया हुआ है। बेड भी कह रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। तो आज हम बाहर जाएंगे, बाल बहुत बड़े बड़े हुए हैं और एक तो छोटे छोटे काम है, बाल भी कटवानी है और एक से भी निकलने लगा था और मेरे जहन में आया कि यार मैंने अपने घुटने और पाँव पे ना बैंडेज तो किया ही नहीं है, तो पहले बैंडेज कर लेते हैं फिर निकलते हैं। फाइनली यार अब जाने लगा हूँ, तो फर्स्ट टाइम यार पब्लिक ब्लॉग करने लगा हूँ तो नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या बनता है, चले चलते। तो फाइनली गाइस यार अभी भी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है और हम जा रहे हैं अभी मोबाइल शॉप पे, तो इसका टेम्पर चेंज करवाना है मोबाइल का, तो वो करवाते हैं और बाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखते हैं बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी है और ये जब यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्होंने मुझे कह दिया कि कोई मसला नहीं है, अब चलते हैं। फाइनली गाइस यार इसका एक्सपीरियंस यूँ ही है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम आए तो यार नर्वसनेस तो इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि लोग आपको सारे ही इतने दूर दूर के देखेंगे और दूसरे नंबर पे यार शोर भी बहुत ज़्यादा है, तो फर्स्ट टाइम का अपना एक्सपीरियंस है क्या, जो भी है जैसे भी है देखें आपको करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना इस वक्त वो आपको भी करना चाहिए। मैं इस वक्त हूँ लाहौर के ना टाउनशिप मार्केट में हूँ और यहाँ पे ना होलसेल की काफ़ी मोबाइलों की दुकानें हैं, तो काफ़ी सस्ते और अच्छे कवर मोबाइल हर चीज़ यहाँ पे दस्तियाब होती है और मिलती है, तो बाकी आप देख लें आपको जैसे भी बेहतर लगता है। तो एक्सपीरियंस तो यार लेवल का है, लोग ऐसे देख रहे हैं मैं क्या बताऊँ आपको, मज़ा आ गया, यकीन करो यार मैं कहता हूँ आप भी एक्सपीरियंस करें। आपको थोड़ी सी नर्वसनेस होगी लेकिन ऐसा इम्प्रूवमेंट होगी बहुत ज़्यादा। आप जैसे मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि लोग ना मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं ना कि क्या बताऊँ आपको। और भाई देखें अब जैसे ये देखें, ये भाई आप देखें, ये देखें कैसे देख रहे हैं यार लेवल हो गया यार, क्या बात है लेवल हो गया। अब ये देखें और रक्षा वाले इधर सब ऐसे ना देख रहे हैं, लेवल हो गया यार। मैं ना ये भाई है यार लेवल हो गया, लेवल का एक्सपीरियंस है यार, मज़ा आ गया यकीन करो। अब थोड़ा सा यहाँ से दूर है तो चल के जा रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ही जब भी फर्स्ट टाइम शुरू करें ना तो ये देखें यार मज़ा आ गया यकीन करो लेवल हो गया यार। तो यार अब मैं चलता हूँ,
तो वहाँ पे मोबाइल की शॉप पे पहुँच के बताता हूँ। तो फाइनली गाइज मैं मोबाइल की शॉप पे आ गया हूँ, तो अब यहाँ से टेम्पर बुलवाते हैं और देखते हैं। आईफोन एक्स अंकल जी 90 टेम्पर चाहिए, 90 90 में दिखा रहे हैं आप, 90 में दे दें आप। फाइनली यार ग्लास तो लगवा लिया है, अब दूसरा काम रह गया कटिंग का, तो वो करवाते हैं उसके बाद जाते हैं घर। और पेन भी बहुत ज़्यादा पाँव में शुरू हो गई है अब ना, मतलब कि नाकाबले बर्दाश्त पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और मुझे ये भी डर है कि जितना यहाँ पे रश है ना, ये ना हो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाए, मतलब कि कोई ना कोई रिक्शे वाला या बाइक वाला आके मार दे और काम और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और भाई जो ये टाउनशिप मार्केट है ना लाहौर में, ये अपने आप में ही एक लाहौर है, ये इतनी बड़ी है ना, इसमें आपको हर चीज़ प्रोवाइड होगी, हर चीज़ मिलेगी। और आपको ना मतलब आप पीछे देखो क्या कह रहे हो, अपनी अम्मी को बता रही है कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं। और यार बातों बातों में ना कटिंग शॉप भी आ गई है, तो अब यार कटिंग करवा लें, थोड़ी सी बाल बड़े हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो गर्मी लग के ना गर्मी से फिर उलझन करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो कटिंग करवा लें यार। फाइनली गाइस यार यहाँ पे आ गया हूँ भाई के पास कटिंग शॉप पे, तो अब भाई को बताते हैं थोड़ा सा कटिंग वगैरह सही करते हैं, मालूम सूर्य हालात के सामने ही हैं तो रफ भी हुए हैं और ना काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं, तो देखते हैं उनको कटिंग करवाते हैं, कटिंग करवाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस यार कटिंग करवा ली है और सच भी थोड़ा सेट करवा लिया है। और यार आपको बताना चाह रहा था, वो थोड़ा सा ना अजीब सा बंदा था, मैंने उसे कहा कि मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा टाइम लैप्स ले लेता हूँ, तो वो कह रहा नहीं यार आप मेरी शक्ल ना लेके आइएगा ऐसे, चलो ठीक है। कई लोग नहीं, वैसे भी कई लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता कि कैमरा फेस करना, तो बस ठीक है वो वैसे ही थे कोई। तो अब यार पेन भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है और दूसरे नंबर पर ना वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो अब जाते हैं कहीं ना भाई पे कोई ड्रिंक वगैरह या पानी वगैरह पीते हैं कुछ ना। तो ये यार ये टाउनशिप की अनारकली कह सकते हैं आप इसे, तो मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे आपको हर चीज़ दस्तियाब होगी, हर चीज़ मिल सकती है, टाउनशिप अपने आप में एक लाहौर है, तो चीज़ यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बाकी यार प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, मैं पिछले आधे घंटे से चल रहा हूँ, ब्लॉग कम शूट कर रहा था लेकिन मैं चल बहुत ज़्यादा रहा हूँ और काफ़ी देर से रहा हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई है। और जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही है, उसका अपना मज़ा है। और मैं भी यही कहूँगा आपको कि अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं ब्लॉगिंग वगैरह या कुछ भी, तो आप भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा, जो पब्लिक का है ना एक्सपीरियंस वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। तो अब कहीं पे जाते हैं और पानी वगैरह कहीं पे पीते हैं, कोई ड्रिंक वगैरह, तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस यार अभी अभी भाई के पास आए हैं और ये भाई हैं और इनको मैंने सत्तू का ग्लास दिया है, क्या ही बात है, आए हाय हाय बड़ी देर के बाद सत्तू का ग्लास पीने लगे हैं, है इसका क्या ही मज़ा है, आपको टेस्ट करके बताते हैं क्या टेस्ट है। अमेजिंग, मज़ा आ गया यार, क्या बात है यार ब्रदर, मज़ा आ गया यार। तो यार ये देखें काफ़ी देर का मैं आया हूँ और अब सनसेट हो गया है और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, तो तकरीबन मैं ऐसे टाइम का आया हूँ, बाइक से निकला हूँ और अभी पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब यार आपसे ना घर जाके मिलते हैं। तो यार मगरब के बाद भी मैं घर आ गया, घर आने के बाद पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी मैं पेन किलर लेके सो गया और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, उठ के खाना खाया और मैंने कहा जो बाकी ब्लॉग रहता है उसे कंप्लीट करता हूँ, और बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। तो अगर आप भी नया व्लॉग शूट करना चाहते हैं, पब्लिक व्लॉग, तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप भी शूट करें, यकीन करें बहुत मज़ा आता है, पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है,
कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग थे, आज भी मुझे फेस किए हैं मैंने, कि जो पीछे से हूटिंग कर रहे थे, अगर आप भी गौर से देखें तो आपको पता चलेगा हूटिंग कर रहे थे पीछे से या कुछ। तो बाकी 90% जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप भी देखेंगे वो, क्योंकि। और दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक नई चीज़ है, तो नई चीज़ को फिर हर कोई बहुत ज़्यादा गौर से देखता है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वह क्यों, वो कैसे होगा कि यार आप मुझे जब कमेंट करेंगे, आप मुझे मेरी मिस्टेक्स बताइएगा, फिर कोई भी